जय हिंद दोस्तों, टाटा ने अपनी नई गाड़ी को लॉन्च कर दिया। टाटा पंच को बहुत ही कमाल लुक से लॉन्च किया, कॉम्पैक्ट में गाड़ी बोले ना, कॉम्पैक्ट एसयूवी में बोले तो एक नंबर गाड़ी है, एक नंबर लुक देती है। चाहे इंटीरियर देख लो, एक्सटीरियर देख लो या कुछ भी देख लो, इंजन देख लो, परफॉर्मेंस देख लो, सब चीज़ में टाटा पंच नंबर वन है। लेकिन अब बारी आती हुंडई की तरफ से आने वाली गाड़ी हुंडई कैस्पर का, क्योंकि कैस्पर भी बहुत ही कमाल की गाड़ी होने वाली है। लुक्स एंड डिजाइन में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और टाटा पंच से मुझे कई गुना बेटर जैसा लुक्स निकल के सामने है वो देखने में लगता है। तो देखो दोस्तों, मुझे बताने का पर्पस मेरा यही है, सिंपल सा, कि आप कंपेयर कर पाओ कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। लेकिन आज की वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आज मैं आपको जो नए अपडेट्स निकल के सामने आए हुंडई कैस्पर के बारे में, तो मैं आज उसके बारे में डिटेल से बता रहा हूँ क्या क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर इमेज निकल गया, प्रॉपर डिजाइन निकल गया, प्रॉपर एक्सटीरियर भी निकल गया है। तो जैसे स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि इसके अंदर क्या देखने मिला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सटीरियर से। तो यहाँ पर जैसे आप फ्रंट लुक देखोगे तो यहाँ पर आपका अपर साइड में यहाँ पर आपको DRL देखने जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसी के नीचे आपको राउंड कलर में या राउंड बोल सकते शेप में यहाँ पर हेडलैम्प्स मिलेंगे, जो LED होगा उस DRL होगा, एंड बहुत बड़ा यहाँ पर सिल्वर फिनिशिंग के साथ यहाँ पर बम्पर बोल सकते हो या ग्रिल बोल सकते हो वो देखने मिलेगा, और जो क्लाइडिंग होगा ना, बॉडी क्लाइडिंग, बम्पर क्लाइडिंग, सब सेम HD यहाँ पर देखने मिलेगा। और यहाँ पर आप ऊपर में देखोगे तो आपको रूफ रेल्स देखने मिलते हैं, ORVM से वो भी मिलता है, इंडिकेटर्स आपको ORVM के अंदर ही देखने मिलता है, और जो बॉडी का डोर हैंडल से वो भी मिलता है, और जिसका अलॉय व्हील्स है ना वो आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे ऐसा कहा जा रहा है, और बहुत ही अच्छे लुक्स में देखने में जैसे कि आप देख सकते हैं। और जब रियर लुक की बात करें या टेल लाइट की बात करें, टेल लैंप्स की बात करें, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पीछे में भी आपको राउंड कलर में यहाँ पर जो इंडिकेटर्स या बस स्टॉप लैंप से या बस ब्रेकिंग लाइट से सब देखने को राउंड कलर मिलेगा। लेकिन साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लग रहा है देख के ना कि यहाँ पर सनरूफ भी होने वाला है, लेकिन ओपन नहीं होगा, लेकिन लाइट्स ऊपर से जो है ना वो देखने को मिलेगा, शार्प एंटीना देखने मिलेगा, रूफ रेल्स देखने को मिल जाएंगे, जो बहुत ही अच्छी बात है। और इस प्राइस में ऐसा ऐसा डिजाइन मिल जाए, लुक्स मिल जाए, एक्सटीरियर देखने को ऐसा मिल जाए तो अमेजिंग अमेजिंग है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर इंटीरियर में क्या मिलता है, फीचर्स क्या क्या देखने मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर इंटीरियर का कुछ फोटो सिंपल्स निकल के आए, लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर 8 इंच का आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाए, हो सकता है यहाँ पर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने मिल जाए, क्लाइमेट कंट्रोल जो होगा वो देखने मिलेगा, हाइट एडजस्टमेंट आपको जो सीट ड्राइवर से वो भी मिलेंगे, 6 एयरबैग्स इसमें सपोर्ट देखने मिलेगा जो बहुत ही अच्छी बात है, और रियर में भी आपको आर्म रेस्ट मिलने वाला, कप होल्डर्स मिलने वाले, एंड जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग का सिस्टम भी देखने को मिल जाए जैसे कि यहाँ पर रूमर्स निकल के आ रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर सेफ्टी की बात करें, सीटिंग कैपेसिटी की बात करें, देखो यहाँ पर 6 एयरबैग्स तो मिलते ही सेफ्टी के मामले में, और बहुत सारे ऐसे यहाँ पर आएगा जो ग्लोबल एनकैप टेस्ट होगा या यूरो एनकैप टेस्ट होगा, उसके अंदर पता चल जाएगा कितना ज़्यादा सेफ्ट कार है, क्योंकि टाटा पंच पे तो भरोसा है कि टाटा अच्छी गाड़ी बनाती है, हुंडई पर भरोसा नहीं है क्योंकि हुंडई का क्रेटा बहुत ही खराब गाड़ी है। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है यहाँ पर 5 सीटर व्हीकल होने वाला है। और यहाँ पर ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पर ट्रांसमिशन के अंदर आपको यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल मिलेगा एंड 5 स्पीड ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा ट्रांसमिशन में। और इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 लीटर का MPI इंजन देखने में जो 68 BHP का पावर निकलता है, 95 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है, और जो दूसरा इंजन होगा ना वो 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन होगा जो 98 BHP पावर एंड 172 Nm का टॉर्क निकाल के देगा, जो अच्छी खासी बात है। और जैसा कि मैंने बताया कि ट्रांसमिशन में यहाँ पर आपको मिलने वाला है ना वो 5 स्पीड मैनुअल एंड 5 स्पीड ऑटोमेटिक देखने मिलेगा, और हो सकता है यहाँ पर आपको IMT का भी ऑप्शन मिल जाए। और बात करें यहाँ पर गाड़ी कब तक लॉन्च हो सकता है इंडिया में और इंडिया में कब तक आ सकता है, तो यहाँ पर प्रॉपर निकल के नहीं आएगा क्या कब तक देखने को मिलेगा, कब तक गाड़ी इंडिया में आ सकता है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स है, जो बड़े बड़े रूमर्स निकालते हैं, जो स्पाई मेकर्स है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये गाड़ी नेक्स्ट ईयर तक देखने को, Jan-Feb तक देखने को मिल जाएगा। और इसी साथ यहाँ बात किसी रिवाइवल्स की, तो देखो जैसे कि आपको पता टाटा पंच तो इसके रिवाइवल्स नहीं है, इसका हुंडई का वेन्यू है जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, किया का सोनेट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अल्टो को लोग नहीं खरीदने वाले, इसके पीछे रीजन है क्योंकि जब आपको इतने प्राइस में यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स आते हैं यहाँ पर, और सेफ्टी भी कंसिडर करके यहाँ दिया जाए गाड़ी, सब भी AC भी मिल जाए, तो क्या बात है, कौन लेना चाहेगा अल्टो को, जब 5 लाख 6 लाख में ऐसे ऐसे गाड़ियाँ मिल जाए तो हर कोई इसे पसंद करेगा, क्योंकि इसमें इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइन सेफ्टी सब चीज़ नंबर वन है। तो हम बोल सकते हैं ये गाड़ी बहुत अच्छा होने वाला है। और प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे इसका बेस वेरियंट 5 लाख से स्टार्ट होने वाला है और 9-10 लाख तक जाने वाला, जो टॉप वेरियंट होगा उसके साथ साथ, जैसा कि आपको टाटा पंच के अंदर देखने मिला है, बहुत सारे एक्सटीरियर भी ला, इंटीरियर जो है डिजाइन से लुक्स है बहुत अच्छा खासा है, इसमें आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। और इसके साथ कमाल की चीज़ ये है ना कि आपको जो हुंडई कैस्पर आएगा वो बहुत सेफ्टी के साथ आने वाला है, जो सबसे अच्छी बात है और इंडियन फैमिली के लिए अच्छी खासी है। और यहाँ पर माइलेज की बात करें, जैसे कि 1 लीटर का इंजन है ना, तो ये कम से
से कम 18-16 का माइलेज आपको नॉर्मल निकाल के दे देगा। तो बताओ कि आप क्या सोचते हो हुंडई कैस्पर के बारे में, और आपको वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह कमाल के वीडियो लाता रहता हूँ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, जय हिंद, वंदे मातरम।